हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्राफ्टिंग एंड कटिंग ऑफ कैप्री, जिसका नाप इस प्रकार है। लंबाई 26 इंच, हिप्स हैं 36 इंच, आसन है फ्रंट का 8.5 इंच और बैक का 12.5 इंच, मुहरी है 6.5 इंच, कमर है 30 इंच, घुटने की लंबाई है 20.5 इंच और घुटने का घेर है 15 इंच और बेल्ट की लंबाई है 2 इंच। तो ये हमारा कपड़ा है कैप्री का, लगभग 1.5 मीटर, और ये इस तरफ से स्ट्रेचेबल है। इस तरफ से हम सारी अपनी विड्थ लेंगे और ऐसे हम सारी लेंथ्स लेंगे। सबसे ऊपर हम अपने 2 इंच बेल्ट के नाम का छोड़ करके पूरी लंबाई प्लस 2 इंच का निशान लगाएंगे। पूरी लंबाई है हमारी 26, तो 26 में 2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 28 इंच। उसके बाद हम यहां से खुला भाग से यहां से यहां लेंगे हिप का 1/3। हिप है हमारे 36 का 1/3 हो जाएगा 12 इंच। यहां निशान लगाने के बाद अब हम लंबाई में आसन का एक निशान लगाएंगे। आसन है हमारा वैसे 8.5, पर वो रोटेशन में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 8 इंच का मार्क लगाती हूँ और इस लाइन को क्रॉस मार्क करूंगी इस 12 इंच से यहां तक, और इसको मिला देंगे। अब इसके अंदर की तरफ हम जो है मिनिमम 1 इंच होता है, मैक्सिमम 2.5 इंच होता है, तो मैं 1.75 इंच का एक मार्क लगाती हूँ और इस लाइन के पैरेलल में ऊपर तक एक और लाइन लगाऊंगी। अब ये लाइन हमने 8 इंच ली है, तो यहां से यहां हमारा ये 1.75 है, तो इधर हमारा हाफ इंच ऊपर होना चाहिए, यानी कि 2.25 ये मार्क लगा करके इसको हम बाहर ऐसे रोटेशन में घुमाएंगे और इसको नापेंगे। अगर ये नापने से 8.5 आता है तो ये हमारा नाप बिल्कुल ठीक है, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा इतना सा फालतू है, ये सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये अपने हिप पार्ट का सेंटर निकालेंगे। ये है 12 का सेंटर हो जाएगा 6 इंच। ये हमारे मुहरी जो होगी घुटने की लेंथ और मुहरी, इसको सेंटर मान के हाफ इधर और हाफ इधर का निशान लगाना होता है। तो ये 6 इंच सेंटर है। उसके बाद हम ऊपर से अपना वही 2 इंच छोड़ करके नी लेंथ का निशान लगाएंगे। घुटना है हमारा 20.5, तो नी हो जाएगी हमारी, नी की लेंथ 21 इंच ऐसे, और इसको स्ट्रेट मार्क करेंगे और यहां पर भी हम ऊपर से इधर से 6 इंच का मार्क लगाएंगे। और ऐसा ही मार्क हम मोहरी पर भी लगाएंगे। पहले नी लेंथ के इस सेंटर मार्क से हम नी का 1/4 प्लस 0.75 इधर लेंगे और उतना ही हम इधर लेंगे। नी है हमारी 15 का 1/4 हो जाएगा 3.75 और उसमें हम 0.75 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4.5 इंच। तो हम 4.5 इंच का निशान इधर लगाएंगे और 4.5 इंच का निशान इधर लगाएंगे। इसके अंदर हमारी स्विंग सीम भी शामिल है। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, चाहो तो स्केल से मिला दो, चाहो इंच टेप से। और इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हम यहां से भी इस पॉइंट को इसके साथ मिलाते हैं। अब सबसे नीचे आ जाएंगे हम अपनी मुहरी पर। मुहरी का भी हम 1/4 करेंगे और 1 इंच इधर प्लस करेंगे और 1 इंच इधर। टोटल मुहरी है हमारी 13
13 का 1/4 हो जाएगा 3.25 और उसमें हम 1 इंच अपना स्विंग सीम का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4.25। तो हम इधर से 4.25 यहाँ निशान लगाएंगे और इस सेंटर से 4.25 इधर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आगे ऐसे मिला दें। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग इस प्रकार होगी, यहाँ से ऐसे और ये यहाँ तक और ऐसे और यहाँ से यहाँ तक। फ्रंट पीस की कटिंग करने के बाद अब हम इसको रिमेनिंग कपड़े पर इस प्रकार रखते हैं कि ये ऊपर से हमारा लगभग 2 से 2.5 इंच ज़्यादा हो, यहाँ से ऊपर 2 से 2.5 इंच, नीचे इसको जमाते हैं और इसको इधर से लगभग बराबर जमा लेते हैं ऐसे। और अब यहाँ से विड्थ में हम मिनिमम 1 इंच होता है, मैक्सिमम जो है 2.5 इंच होता है, तो मैं यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और ऐसे लाइन लगाऊंगी। और इसकी यूं करके कर्विंग ऐसे दे दी जाएगी और यहाँ से धीरे धीरे कम करते हुए यहाँ इसके साथ मिला देते हैं और इसके साइड साइड में ये लाइन लगा देते हैं इस प्रकार से। अब आसन में हमारे कपड़ा होना चाहिए ज्यादा, तो यहां से यहां ऐसे स्लांट मैनर में इसको एक लाइन लगाएंगे यहां से यहां इसके साथ, इसकी बिल्कुल बराबर में होना चाहिए ये। और अब इसको हटा करके हम अब अपनी ये लाइन मार्क्स को काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा कैप्री का बैक पीस। फ्रंट और बैक पीस की कटिंग करने के बाद अब हम इसमें डार्ट डालेंगे। डार्ट डालने के लिए पहले हम यहाँ से यहाँ इसकी विड्थ नापेंगे, ये है 10 इंच लेकिन हमारी कमर है 30 इंच, 30 का 1/4 होता है 7.5 इंच। तो पहले हम अपनी स्विंग सीम का निशान लगाएंगे दोनों साइड और इसको यहाँ से यहाँ दोबारा मेजर करेंगे, ये आ गया 9 इंच। तो अब हम इसमें अपना 9 इंच 7.5 इंच छोड़ करके बाकी 1.5 इंच को डार्ट में एडजस्ट करेंगे, जो इस तरह से होगा। इधर से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ लेंथ में भी हम 4.5 इंच या 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन लगा करके 0.75 इधर और 0.75 इधर निशान लगा करके इसको ऐसे डार्ट में एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गई हमारी डार्ट और ऐसे ही हम डार्ट अपने दोनों साइड फ्रंट में और दोनों साइड बैक में डालेंगे। ये हो गई हमारी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग ऑफ कैप्री पैंट। ये हमारे फ्रंट पीस है, ये हमारे बैक पीस है और बेल्ट की कटिंग मैं आपको स्टिचिंग के साथ बताऊंगी। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसमें बीड्स लगाने भी बताऊं, तो स्टिचिंग में मैं आपको बीड्स इंसर्ट करने भी बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।